खबर उज्जैन से, जैन मंदिर तोड़े जाने का विरोध, सकल जैन समाज हुआ लामबंद, मतदान बहिष्कार की दी चेतावनी। नयापुर क्षेत्र में स्थित जैन समाज के प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने से संपूर्ण जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है, लिहाजा नाराज समाजजनों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी देते हुए अपने घरों के आगे इस प्रकार के पोस्टर चस्पा किए। बता दें, नगर निगम द्वारा केडी गेट चौराहे से इमली तिराहे तक सड़क चौड़ीकरण कराया जा रहा, जिसकी जद में जैन समाज के 4 प्राचीन मंदिर भी आ रहे, जिन्हें तोड़े जाने के नोटिस नगर निगम द्वारा दिए गए। इस कार्रवाई का जैन समाज द्वारा विरोध किया जा रहा, इसके चलते संपूर्ण सकल जैन समाज लामबंद हो गया। नाराज समाजजनों ने सामूहिक निर्णय लिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मंदिर तोड़ने वालों को वोट नहीं दिए जाएंगे। वहीं ऐसे पोस्टर यहां रहने वाले परिवारों ने अपने घरों पर चस्पा कर दिए हैं। जैन समाज के नवीन काकरिया का कहना था कि किसी भी कीमत में मंदिर तोड़ने नहीं दिए जाएंगे। इधर महापौर मुकेश टवाल ने जैन समाज से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि समाजजनों के साथ बैठकर बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा। जी भैया, गौतम मार्ग पर जैन समाज के लोगों ने जो है कि विरोध किया है, चौड़ीकरण का मंदिर जो है हटाने का विरोध किया है, इस तरह के पर्चे जो है कि घर के बाहर लगाए, क्या विरोध कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? जी देखिए, हम सर्वप्रथम तो भारतीय हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और हमारे जो महाकाल लोग उज्जैन है, 12 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर वगैरह विश्व विख्यात फेमस है, इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, बहुत अच्छी और सुंदर बात है, ठीक है। सेकंड, इस विस्तारीकरण के नाम पर जो हमारे ब्रिटिश जमाने के जो मंदिर पुराने 200-400 साल पुराने मंदिर है, उन मंदिर को हटाया जा रहा है। हमारा मोदी सरकार और सीएम सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इन मंदिरों को छोड़ा जाए और इनके साथ न्याय संगत किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में हम पर अटैक नहीं हुआ, तो अभी भी जो कि न्याय संगत नहीं है ये, और बीजेपी सरकार से हमको ये आशा नहीं है। हमारे माननीय मोदी जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, शायद उनको ये बात नॉलेज में नहीं है। अगर उनको ये बात नॉलेज में आ जाएगी कि एकदम तो अपन महाकाल लोक का विस्तारीकरण कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ जो अपने 200-400 साल पुराने मंदिर है, जो हमारे विरासत है, पुरातत्व विभाग में जिनका नाम दर्ज है, ऐसे मंदिरों को अपन हटाएंगे तो ये कहाँ का न्याय संगत है, और ये पूरे आम सनातन जैन धर्म के साथ अन्याय होगा। कितने लगभग परिवार यहाँ पर रहते हैं जैन धर्म के? करीब करीब लोग निवास करते हैं 400-450 करीब निवास करते हैं। कितने परिवार, कितने मंदिर आ रहे हैं इसमें? करीब टोटल 4 मंदिर है, इसमें 2 मंदिर आ रहे हैं। एक दिखा बोलने हुआ मतदान बहिष्कार का, ये समाज का निर्णय है कि ये समाज का ये पूरा जैन समाज का निर्णय है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आगे पूरा सनातन जैन धर्म को एक होकर हम इस पर पूरा शहर स्तर पर पूरा इसका विरोध करेंगे, और हमारी सरकार से बिल्कुल हाथ जोड़कर यह विनती है, हम भारतीय हैं क्या, जिस प्रकार से हमारा महाकाल में विस्तारीकरण किया जा रहा है, बहुत सुंदर बात है, पर हम ये नहीं चाहते कि एक मंदिर के लिए बढ़ावा दें, दूसरे मंदिर जो पुराने हैं उन पर अटैक हो, उनको चोरी करोगे। यहाँ के क्षेत्र जो क्षेत्रीय विधायक जो है वो भी जैन धर्म से ही आते थे, उनका भी पूरे आपके इसमें जो कि आंदोलन में समर्थन रहेगा, या फिर आपको समझाई दीजिए? माननीय पारस जी कबला जो भी इसका होगा निकाल करके अपन इसका जो भी न्याय संगत करेंगे, किसान का आश्वासन है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नवीन कुमार काकरिया, उज्जैन। क्या कौन से मंदिर ट्रस्टी हैं? मैं आदेश्वर चंद्रबाबू ट्रस्ट मंडल उज्जैन। हमारे उज्जैन में जो गौतम मार्ग है केडी गेट से लेकर के इमली चौराहे तक, उसके चौड़ीकरण का कार्य हमने वहाँ के नागरिकों के सहयोग से और उन सभी लोगों के मार्गदर्शन में हमने प्रारंभ किया है। हमारे उज्जैन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी जगह कम पड़ती है और घंटों तक वहाँ पर जाम होता है। आपके जानकारी आपके माध्यम से जानकारी लगी है कि उन्होंने इस प्रकार के बैनर लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उनसे पहले भी बात हुई थी और उनसे आगे भी बात करेंगे, और उनसे यही निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से सारे नागरिकों ने अपने स्वयं का मकान तोड़ करके, कई हमारे नौ बंधु जैसे जिनका पूरा मकान टूट चुका है, उन सब लोगों ने हमारे उज्जैन के शहर के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस भरी बारिश में काफ़ी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन उज्जैन के विकास के लिए सबने अपना अपना वो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, त्याग किया है, तो निश्चित रूप से हमारे जैन समाज के बंधु वो भी हमारे इस कार्य में सहयोग करेंगे, और वो भी अगर उनकी से कुछ बात है तो पहले भी की और आगे भी उनसे बात करेंगे। क्या जैन संतों के पास आप लोग जाएंगे जैन संतों को मनाने को, क्योंकि जैन संतों के निर्देश पे ही ऐसा काम? नहीं, जब पहले भी जब विषय आया था तो हमारे नगर निगम कमिश्नर को भी मैंने भेजा था, जिला कलेक्टर साहब ने भी बात की थी, हमारे विधायक पारस जी जैन साहब भी गए थे, और हमने कहा कि उस मार्ग में आने वाले सभी धार्मिक स्थलों पर सभी लोगों से आपस में चर्चा करके उनका हमको रास्ता निकालेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में उस रोड का चौड़ीकरण किया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।